वो सब गाइस कैसे हैं आप। शुद्ध नॉलेज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए हमारे चैनल पे तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप एक रिटेलर हैं, अगर आप एक शॉपकीपर हैं, आपका खुद का वेंचर है स्टार्ट कर रहे हैं, या आप एक प्रोफेशनल हैं फर्म ओपन करना चाहते हैं और एक ब्रांड नेम की तलाश में, अपने बिजनेस नेम की तलाश में है, तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जहाँ आप ना सिर्फ ब्रांड नेम सेलेक्ट कर सकेंगे बल्कि अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम भी सिलेक्ट कर सकेंगे और डिसाइड कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लॉग है जहां आपको आपके बिजनेस के लिए ब्रांड नेम जनरेट करने के लिए 10 टूल्स हमने प्रोवाइड किए हैं। तो आप देख सकते हैं शॉपिफाई, बिजनेस नेम जनरेटर, नेमलिक्स, ब्रांड बकेट, नोवा, MYM, स्क्वाड हेल्प, नेम मैश, जायरो, नेम स्नैक और इसके साथ साथ नेम स्मिथ। इनमें से टॉप 3 टूल्स जो हमको ज्यादा बेटर लगे, उनको प्रैक्टिकली चलते हैं, डायरेक्ट यूज करके देखते हैं कि किस तरह से आप अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस नेम जनरेटर पे आते हैं। मान लीजिए आपका हेयर सलून का बिजनेस है और आप उससे एक ब्रांड नेम की तलाश में, तो आप टाइप करते ही डायरेक्ट जनरेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर सलून आपने क्लिक किया तो यहाँ पे 2896 नेम्स आपके सामने अवेलेबल है। अब आपको करना क्या है, ये सारे आपको नाम देखने हैं, जो भी नाम आपको पसंद आता है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हेयर फ्लिक्स करके, ये हेयर फिक्स जो नाम है आपको अच्छा लगा तो क्लिक करते ही यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड जो भी एज इट इज जो भी डोमेन है वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। एक चीज ध्यान रखें, अनअवेलेबल जिस भी डोमेन के नाम के आगे अगर लगा है तो समझ लीजिए वो डोमेन किसी ने ऑलरेडी परचेज कर लिया है। तो आपको जो भी रजिस्टर नाउ वाले पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको वहां पे प्राइस दिख जाएगा और आप तुरंत रजिस्टर कर सकते हैं, अपना ब्रांड नेम सेव कर सकते हैं। थोड़ा सा बॉटम में आएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑल्टरनेटिव डोमेन आपका हेयर सलून से मिल जाएगा रिलेटेड, उसको भी सेम आपको क्लिक करके चेक करना है। बाकी बॉटम में और आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रीमियम डोमेन्स मिलेंगे जो कि थोड़ा सा उसमें कॉस्ट ज्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट टूल है, नेक्स्ट वेबसाइट है brandbucket.com। इस पे भी हमको सेम चीज करना है। अब मान लीजिए आपकी क्लोथिंग लेडीज क्लोथिंग से रिलेटेड आप कुछ सर्च करना चाहते हैं और टाइप करते ही आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि brandbucket.com अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्लीज एक चीज ध्यान रखिए कि ये सारे के सारे प्रीमियम ब्रांड नेम है, प्रीमियम डोमेन रहने वाले हैं। इसमें आपको अच्छे खासे रुपए जेब से खर्च करने पड़ जाएंगे। मान लीजिए आपको ये clothing.ly का जो ये पसंद आ जाता है, ये डोमेन है clothing.ly, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये आ गया और प्राइस आपके सामने आप देख सकते हैं $2,595। अच्छा खासा रकम आपको खर्च करना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड पे आपको लोगो मिल रहा है और ये लोगो आपको फ्री में मिलने वाला है इस प्राइस पे। फ्री में ये एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम इन्हीं की जबानी देखते हैं। इन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड टॉपिक ये रखे, क्वेश्चंस रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांड बकेट कहता है वी विल ट्रांसफर द फुल कॉपीराइट फॉर द लोगो टू यू अपॉन परचेज ऑफ द डोमेन नेम, यानी कि डोमेन नेम खरीदते ये जो लोगो है वो आपका हो जाएगा, उसकी कॉपीराइट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और हाई रेजोल्यूशन की इमेज होगी PNG फॉर्मेट में, एडिटेबल वेक्टर फाइल आपको .AI फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, दूसरे हमारे जो थर्ड और लास्ट जो आज हम देख रहे हैं वो है novanym.com। बिजनेस नेम जनरेटर पे आप क्या करेंगे, आपको क्लिक करना है, आप अपना बिजनेस चेक करना चाहते हैं कि किस क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका डिजिटल मार्केटिंग
की कंपनी है, आप डिजिटल मार्केटिंग रहने दीजिए, हम कुछ और सर्च करके देखते हैं। मान लीजिए किड्स टॉयज से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाले सेक्शन में आप जाके कैटेगरी से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे किड्स आपने क्लिक किया, सेट कर दिया, और नेम सिलेक्ट, नेम स्टाइल कंटेम्प्रेरी सिलेक्ट करें, जैसे ट्रेडिशनल, कॉर्पोरेट, डायनेमिक, इनफॉर्मल, एलिगेंट, टेक्निकल। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ट्रेडिशनल नेम को सर्च कर रहे हैं। आप खुद अपनी तरफ से जो आपको पसंद है कर सकते हो, और जनरेट नेम पर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इनके सर्वर में जितने भी ऑप्शंस हैं वो अभी आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। देखते हैं कितने अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स एक और बात, ये जो जितने भी आपके सामने ये ब्रांड नेम हैं, ये सारे के सारे प्रीमियम हैं। मान लीजिए आपको ये वाला पसंद आता है ब्रांड नेम, आपने इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं mialtas.com करके ये डोमेन है, जो कि अवेलेबल है 1450 पाउंड में, यानी कि 1450 पाउंड में। और इसके साथ आपको एक लोगो भी अवेलेबल मिल रहा है सेम प्राइस में। आपको तीन डिफरेंट डिफरेंट लोगो है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ये देखिए, और थर्ड और लास्ट। आप चाहे तो अगर आपके पास ऑलरेडी आपने लोगो सेलेक्ट कर लिया, या आपने डिजाइनर से बनवाना चाहते हैं, तो आप नो लोगो के ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको 100 पाउंड कम देने पड़ेंगे, 1350 पाउंड प्राइस हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप अपने ब्रांड नेम चूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने एम्पायर के लिए और अपने शॉप के लिए। अगर आप बाकी टूल्स भी यूज करना चाहते हैं तो हमारे इस ब्लॉग को गो थ्रू कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। प्लीज लिंक को गो थ्रू करें और अपने बिजनेस के लिए बेस्ट नाम चूज करें और आगे बढ़े। होप करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।